जी आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे पहले ये बताया दैट व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग इन अ मल्टी स्टारर फिल्म? बेस्ट पार्ट तो ये होता है कि मतलब कई चीज़ें आप नहीं कर पाते, दूसरे कर देते हैं आपकी जगह पे। जैसे कि मैं बहुत अच्छा डांसर नहीं हूँ जैसे वो लुंगी डांस ये सब, तो अपनी तरफ से जितना होता था ठीक है, बाकी बोलते रहे ठीक है अभी राघव का शॉट ले लेंगे वो अच्छा कर लेता है। इन दिस मल्टी स्टार आई थिंक वी ऑल कैन एग्री द बेस्ट पार्ट वाज सलमान सर, द वे ही इज टेकिंग केयर ऑफ अस एंड मतलब जो फन किया है हमने सच में बहुत ज्यादा मस्ती। अगर नाउ सपोज हम में से कोई एक ज्यादा दिख गया या समबडी का यू नो कवर हो गया तो रीजन you will get more scenes, let this one do it, you know you'll say no and you'll be like okay sir, like sure sir, no problem sir, dekh lo. Hi, मैं हूँ जस्सी गिल। Hi, this is Palak Tiwari। और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। दोस्तों बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो लेकिन आज के इंटरव्यू में कूलनेस कोशेंट लेकर आए हैं हमारे साथ दो इंडिविजुअल्स। नो वंडर व्हाई दे आर ड्रेस्ड अप इन लेदर एंड ग्लव्स वाली मैडम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मिस कूल फ्लोरल वाइब। या बॉलीवुड हंगामा पर विद मी उर्मिन आई हैव पलक तिवारी एंड जस्सी गिल। हाउ आर यू गाइस डूइंग? ऑल गुड जी, बहुत बढ़िया। ईद की तैयारी कैसे चल रही है? अरे फैंटास्टिक, आज रात को हम सब ईद पार्टी में भी जा रहे हैं साथ में, इफ्तार पार्टी। इफ्तार पार्टी, yes, इफ्तार पार्टी होने वाली है, बताओ यार। हाँ बहुत सारा खाना होता है ना जो हम खा नहीं सकते क्योंकि हम डाइट प्रमोशन पे हैं। लो तुम हो, मैं नहीं। मैं तो हूँ, मैं तो हूँ। नहीं है भाई आप तो। क्या डाइट प्रमोशन पर है? अरे वो अभी छोटे छोटे कपड़े पहना देते हैं ये लोग, थोड़ा लगना पड़ता है। अच्छा तू तो फिट कब नहीं थी ये बता पहले। सी नाइस यार, माय हीरो इज नाइस। इसको तो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए बताइए, आप बताइए। नहीं मतलब खाना तो सबको खाना चाहिए पूरे, यू नो हमारे हाउ मेनी डेज वी शूट, चलो 4-5 महीने। ही इज ओनली टेलिंग यू टू खा लिया कर, तू अगर मैं ऐसे होता ना मतलब मैं मतलब पता नहीं कितना खाता मैं सीरियसली। बट पलक लाइक डू यू आई एम श्योर यू वर्क आउट एंड ऑल ना? नो नो आई वर्क आउट लॉट, बट मैं सच बताऊं तो माय डाइट इज नॉट मोर सो टू रिस्ट्रिक्ट मी। जैसे मेरी डाइट में ज्यादा चावल एंड ऑल, इसकी डाइट में ज्यादा रेड बुल है। क्योंकि इससे पहले जब तक शूट कर रहे थे बहुत अच्छी थी, तो मैं कनाडा जाके आया हूँ फैमिली के पास, तो वहाँ पे परांठे परूठे खाए गए ज्यादा, तो मतलब मेरा 5 kg बढ़ गया है पहले से, तो अभी मैं भी लगूंगा जल्दी थोड़ा कम करने के लिए। बट यार आप लोग कमाल लग रहे हैं एंड फिल्म के ट्रेलर में इतना धमाल मच रहा है, मल्टी स्टारर फिल्म जी। आपसे पूछना चाहूंगी जस्सी, पहले ये बताएं दैट व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग इन अ मल्टी स्टारर फिल्म? बेस्ट पार्ट तो ये होता है कि मतलब कई चीज़ें आप नहीं कर पाते, दूसरे कर देते हैं आपकी जगह पे। जैसे कि मैं बहुत अच्छा डांसर नहीं हूँ जैसे वो लुंगी डांस ये सब, तो अपनी तरफ से जितना होता था ठीक है, बाकी बोलते रहे ठीक है अभी राघव का शॉट ले लेंगे वो अच्छा कर लेता है। पर हमने वो एक इंस्टा रील देखा जिसमें आप क्या नाचे हैं सबके साथ। हाँ मैं बड़े मस्ती की है। नहीं ऐसे तो मैं कर लेता हूँ, बट होता है ना कि जैसे राघव है साथ में, तो जो जिस चीज में परफेक्ट है तो फिर ऐसे होता है कि जो थोड़ी मुश्किल होती थी चीज छोड़ देते थे, बोलते थे इसका कर लो। एक्चुअली इस इंटरव्यू में राघव भी आने वाले थे लेकिन वो स्लो मोशन में आ रहे थे थोड़ा। व्हाट अबाउट यू पलक, बताएं, टेल अस समथिंग अबाउट योर रोल। आई मीन माय रोल तो इज मुस्कान जी, एंड मो एंड मुस्कान आर इन लव। आई डोंट वांट टू रिवील टू मच क्योंकि अभी 5 दिन में आ ही रही है तो आप लोगों को पता चल जाएगा। पर या इट वाज सो फन टू फिल्म एंड मैं हर मल्टी स्टार का तो नहीं बता सकती, पर इन दिस मल्टी स्टार आई थिंक वी ऑल कैन एग्री द बेस्ट पार्ट वाज सलमान सर, the way he's taking care of us and मतलब जो fun किया हमने सच में बहुत ज़्यादा मस्ती। अच्छा ये आपकी पहली proper film है एकदम, मतलब इसमें आप debut कर रहे हैं, तो were you like you know apprehensive, क्या चल रहा था मन में when you know you were told कि मुस्कान का किरदार मिल गया है आपको? नहीं मैं nervous तो थी, but also at the same time and I'm sure Jesse will also agree, सलमान सर the kind of person कि उनके सामने कोई tension नहीं ले सकता। He is always like सब ठीक है, किसी ने भी स्ट्रेस्ड इवन मच, बस बहुत ही ज्यादा रिलैक्स, बहुत ही ज्यादा प्यार से वी मेड द फिल्म।
लवली. जैसे आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले बिफोर वी स्टार्टेड दिस इंटरव्यू दैट यू नो दिस इज बीन बाय फार द मोस्ट लोकेशन 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 वाली फिल्म फॉर यू. कहाँ कहाँ गए हैं आप बताएं? मतलब इंडिया टूर हो गया आपका? अगर फिल्म के अकॉर्डिंग बताएं तो हम बहुत जगह पे गए हैं. मतलब क्योंकि हमने बहुत सेट्स पे शूट किया है तो बट हमने सबसे ज़्यादा टाइम अगर किसी फिल्म को जितनी अभी तक मैंने शूट की है मुझे लगता है सबसे ज़्यादा दिन लेने वाली फिल्म है. क्योंकि इतने सारे लोग भी थे और ये फिल्म की भी आप कह सकते हैं कि जितना तामा जमा बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा था फाइट सीक्वेंस. मतलब एक एक सीक्वेंस को शूट करने में एक एक हफ्ता लग जाता था. मतलब हमारा क्लाइमैक्स मुझे लगता है कम से कम 25 से 30 दिन का क्लाइमैक्स था. क्लाइमैक्स एंड यू नो इट्स नॉट जस्ट यू नो इट्स आल्सो द वे इट्स शॉट. जैसे जो हमारे डीओपी हैं मणिकंदन सर ही इज अ वर्चुओसो इन हिज ओन राइट यू नो एंड द वे ही शूट थिंग्स. हमारी लाइटिंग को कितना टाइम लगता था एंड इट्स ट्रूली शोज. मतलब कई बार ऐसे भी होता था कि हम सुबह से आके बैठे हैं कि शॉट लगेगा अभी तो मतलब इतनी तैयारी करते करते सिर्फ एक शॉट के लिए पूरा पूरा दिन लग जाता था. एक शॉट यूज़ बी बैंग. But individually, what is the kind of genre that y'all enjoy watching? Maardhaad wali films pasand hai, romantic films pasand hai, Palak? I love rom-coms. But I also, main sirf ye movie ke saath isliye nahi bol rahi, but I love your typical masala Bollywood movies and I think we all really need them back. I think the main thing that Salman sir keeps saying is movie ke baare mein is that, you know, he's bringing back the family films pehle time, you know, like, जैसे इवन हम आपके हैं कौन हम साथ साथ हैं दिस डज हैव दैट वाइब. तो आई थिंक पीपल आर गोना लाइक दिस. ओह नाइस. व्हाट अबाउट यू? मैं सच्ची बताऊं तो मैं बहुत कम फिल्में देखता था या देखता हूं भी कह सकते हैं आप. अपनी फिल्में देखते हैं आप? मैं अपनी फिल्में भी बहुत कम देखता हूं. क्या कह रहे? मैं नहीं देखता हूं. मैं सिर्फ अगर मैं प्रीमियर पे देख ली उसके बाद मैं नहीं देख पाता. अच्छा, अगर प्रीमियर पे देख ली ठीक है यार, देखी कर दरिया में डाल, थिएटर में डाल. बट जो इस फिल्म में मतलब मुझे जो फाइट करके मज़ा आया ना, मतलब अभी ऐसे हो गए क्योंकि एक्शन फिल्में करेंगे आगे चल के. क्योंकि जितना क्योंकि एक तो है कुछ आपको करना है और सब कुछ ऐसे होता है कि बस भाई आप कर रहे हो तो मतलब वो फील ही इतनी ज़्यादा अच्छी थी. क्योंकि जिस तरीके से एक्शन शूट हुआ है इस फिल्म का, और मेरे साथ तो हुआ भी ये था कि जिस दिन मैं पहले दिन सेट पर आया तो मैं वैनिटी में आके मुझे थोड़ा मैं नर्वस था कि आज फिल्म के पहला दिन है. पहला दिन हमेशा ऐसे होता है कि चलो लाओ कोई पेपर दो डायलॉग कुछ डायलॉग कर मुझे बोल रहे पेपर तो है नहीं, सेट पे बुलाया है. और मैं सेट पे चला गया. सेट पे जाके कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ एक्शन, सीधा एक्शन. अच्छा. और सीधा एक्शन, ट्रेन का सीक्वेंस शूट हो रहा है और मुझे एक्शन करना है और पूरा प्रॉपर. यू नो ही डजंट लुक लाइक इट बट ही इज like you know he looks very like yeah fun and loving but kya action karta hai ye. thank you. no seriously when you, you we that. so i think ye to bol raha hai ki agar dekhi premiere pe to dekhi but we've seen the film now at least 2-3 times. ha hai na, hum sabne saath mein dekhe and every single time that his action scene comes Salman sir looks at me and says तो मतलब इस बार मजा आया बहुत एक्शन करके. मतलब इससे पहले अभी मुझे लगता है कि एक्शन फिल्में भी देखनी चाहिए और मैं करना भी चाहूंगा आगे चल के. बट पलक ने बिल्कुल सही कहा, आप लगते नहीं हो एक्शन वाले. बचपन में कभी नहीं हुआ है. मैं मुझे उन्होंने कुछ करने को बोला, मुझे अभी भी याद है कि लाइक ना कुछ था कि ऐसा कुछ करके ना ये करना था कुछ प्रॉपर ना एटीट्यूड में और गुस्से में और मैं कर रहा हूँ. और मुझे विशु जो अपना एडी था वो आके बोल रहे हैं बाजी रोमांटिक नहीं, रोमांटिक हीरो थोड़ा एक्शन करो मैं ठीक है। और ट्रेन में एंटर होना है आपको, ऊपर जो पोल होते हैं पकड़ के उनको पकड़ना है, बाइक में नीचे से निकल जाना. अच्छा. मतलब ये एक्शन था पूरा. और पहले दिन ही जाके मैं ये कर रहा हूँ वहाँ पे. आप सोचो कि मैंने जिंदगी में एक्शन नहीं किया था कभी. तो आपने मतलब स्टंट डबल की जरूरत नहीं थी, आपने कहा नहीं, मैंने खुद ही किया है. नहीं पर ऑनेस्टली वो ट्रेन सीक्वेंस इज इनसेन, लाइक कितना बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग. अच्छा पलक ये बताया था सो मेनी लवली वुमेन इन द फिल्म विद यू, तो कैसा रहा ये बॉन्ड? ऑनेस्टली यू नो आई थिंक ये सब एक्सपेक्ट करते हैं व्हेन यू हैव सो मेनी वुमेन ऑन सेट. यू नो इट्स द स्टीरियोटाइप कि अगर वुमेन आर टुगेदर दे विल फाइट. बट ऑनेस्टली आई थिंक वी ऑल रियली लव ईच अदर्स कंपनी. और हम जो
द सिक्स ऑफ अस हमने ऑलमोस्ट सारे सीन साथ में किए, वी यूज टू सी ईच अदर एवरी डे, वट एवर वी डिड टुगेदर, तो आई थिंक वी सॉर्ट ऑफ बिकेम फैमिली, यू नो, तो उसमें बॉट फाइटिंग एंड ऑल लाइक नथिंग मैटर्स, इट जस्ट दैट वट एवर वी डिड टुगेदर एंड आई थिंक आर बॉन्ड शोज इन द फिल्म. बट कमाल लग रहे हैं यू गाइज, सीम टू बी लाइक वन फैमिली टुगेदर, सो दैट डेफिनेटली वॉज सो इम्पॉर्टेंट, राइट? तो घर जब साथ में ही शूट्स करते थे, प्रैंक्स वगैरह कुछ चल रहे थे सब? कर सकती है प्रैंक और पलक लुक्स लाइक समवन ना. नहीं नहीं, मैं तो लिसन, आई वाज ऑन माय बेस्ट बिहेवियर. मतलब इंटरव्यू शुरू होने से, इंटरव्यू शुरू होते ही, ये क्या बदनाम कर रहा है आप? नाम नहीं कर रहा मेरा मतलब, लेट मी जस्ट गो एंड से दैट इंटरव्यू शुरू होते ही तीन बार तो पलक ने सलमान सर की मिमिक्री कर ली है यहाँ पर. हाँ, तीन टाइम देखा, इसको खुद नहीं पता, मतलब ये ऐसी चीजें करती है, इसको खुद नहीं पता चलता. मैंने नहीं की, मैं बोल रही, मैंने नहीं की, मैं नहीं. अच्छा, फिर अच्छे से करना चाहती हो? नहीं, मैं मुझे आती नहीं है, मुझे आती नहीं है. यू नो कौन करता है सलमान सर की मिमिक्री बहुत अच्छी? राघव. यार ये सबकी कर लेती है, सबकी, किसी की भी, इसको पूछो. सलमान खान नहीं, मैं व्हाट इज द बेस्ट थिंग ही हैज टोल्ड यू? बेस्ट मतलब क्या, तारीफ वाली मिमिक्री, क्या कहा था उन्होंने आपसे? यू नो सलमान सर इज लाइक अ प्रॉपर पेरेंट, तो वो तारीफ नहीं करते आज के मौजूद, वो तारीफ नहीं करते, वो हमेशा थोड़ा टांग खींचते हैं कि लाइक जैसे अभी अगर ना हो, सपोज हम में से कोई एक ज़्यादा दिख गया या समबडी का यू नो कवर हो गया, तो रीज लाइक यू गेट मोर सीन्स, लेट दिस वन डू इट, यू नो यू सी एंड यू लाइक sure sir, no problem sir, dekh lo. And then it's like, and if he compliments you, know, it'll be like while we are watching the film, and if he liked something, then he'll be watching and he'll just look at you. Like, must dekh ke smile denge. Yes. That's it, and that is the biggest compliment that you could ever get in your life. So you know, I'd run back home like, mummy, tumhe bataya kya hua? Salman se compliment me. Then my mom like, acha, kya bola? I'm like, he did that, and then the scene came, and he was like, and my mom was like, are you crazy? He was probably just smiling at you. He's a sweet guy. I was like, no, mom, you don't get it. It was a compliment. Mom was like, take care, beta. Imagine, it's so easy to give her a compliment. All you have to do is... No, only if it's Salman sir. Haan, please. My mom will also at home start doing it. Aaj khana par aaya. Nahi, mummy, to asli main khush ho jaungi, yaar. हाय, मैं हूं जस्सी गिल. हाय, दिस इज पलक तिवारी. और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा में.